मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को ओ सदानीरा पाठ पढ़ाने वाला हूं। ओ सदानीरा एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ओ सदानीरा एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर का जीवनी के बारे में, मतलब लेखक की जीवनी को देखते हैं। लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान था शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में। और इनकी शिक्षा हुई थी एमए अंग्रेजी से किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और प्रशिक्षण के लिए ये अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। फिर इनका कुछ कार्य था, इनका कुछ कार्य भी किए थे। 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे ये। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। और इनको कुछ सम्मान भी मिला था, विद्या बारिधि की उपाधि से विभूषित इन्हें किया गया था, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और इनकी कृतियाँ हैं कुछ, 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन, मेरी बांसुरी इनका जो प्रथम एकांकी है उसका मंचन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बहुत अच्छा ये है, पहला एकांकी इनका याद रखिएगा, मेरी बांसुरी पूछा जाएगा एग्जाम में। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण है, कोणार्क और पहला राजा, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इनका इम्पोर्टेंट नाटक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हम लोग अब बात डायरेक्ट करते हैं कि इनका जो निबंध है ओ सदानीरा, इस पर बात करते हैं। ओ सदानीरा में क्या बताया इन्होंने, उस पर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। ओ सदानीरा का अर्थ होता है बच्चों, ओ सदानीरा, सदानीरा का अर्थ ही होता है सदा, सदा मतलब सदैव, नीरा मतलब जल, नीर मतलब जल और सदा मतलब सदैव। ओ सदानीरा मतलब कि वैसी नदी जो सदैव हमेशा पानी से, जल से भरा हुआ हो, परिपूर्ण हो, उसी को क्या कहेंगे, ओ सदानीरा। ये गंडक बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण, वहीं की बात की गई है। पूरे एक आंचलिक निबंध है, कहने का मतलब है पूरा उसके वो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहीं गंडक नदी को साथ लेते हुए पूरे चंपारण को वर्णन किए, उसकी संस्कृति को वर्णन किए हैं ये, ठीक है। और वो नदी के माध्यम से ही, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ओ सदानीरा पाठ को। बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। जो चंपारण क्षेत्र है, जो बिहार के पश्चिम मतलब पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है, तो वो क्षेत्र क्या है, उसकी मिट्टी जो है पुरानी भी है और कुछ नई भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव मानो सैसव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमुक कर चलना सिखा रहा है। कहने का मतलब है जो हिमालय की तलहटी से जंगलों की गोदी से उतारकर मानव मानो सैसव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा। कहने की मतलब है जो गंगा की जो धारा है, हिमालय से जो बहती है धारा, वही सब पानी ने गंडक में आकर के धीरे धीरे सभी एक नदी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और उसी से पानी आती है। तो कुछ मिट्टी क्या होती है, नई भी, हमेशा मिट्टी परिवर्तन होते रहता है। जो भी क्षेत्र गंगा या कोई भी नदी के किनारे बसा, समझ जाइए वहाँ का मिट्टी बार बार क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। कुछ नई मिट्टी आती है, कुछ पुरानी मिट्टी दब जाती है, इस तरह से। तो वही कह रहा है ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है, नए खेत नए पैदावार और बीच बीच में पलाश साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते हैं। कह रहा है कि बीच बीच में जो ये पलाश हैं, साल हैं, ये सब वृक्ष का नाम है, तो उनका जो और कुछ जंगली वृक्ष उनकी जो पत्तियां हैं वो सब क्या है, जहां तहां गिरे मिलते हैं। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने जिसे परिहत बसना कर दिया है। कहते हैं कि वहां की भूमि क्या है, दूर दूर तक भूमि क्या है, समतल है, मतलब प्लेन है, समझने एकदम एक जैसा है। और ट्रैक्टर की उंगलियों ने उसे क्या किया, जिसे परिहत बसना कर दिया। यहाँ पर देखिए एक शब्द है परिहत बसना, परिहत बसना को आपको समझना है बच्चों। परिहत बसना का मतलब होता है कि जिसका वस्त्र उतार दिया गया हो, समझिए यहाँ पे वस्त्र मतलब वो कपड़ा वाला नहीं, कहने का मतलब जो खेतों में जो गंदगियाँ होती है ना,
खेतों में जो धूल धंकड़ होते हैं, घास फूस लगे होते हैं, है वो सबको हटा दिया गया है। मतलब ट्रैक्टर से इतना अच्छा से जुताई हुई है उसकी कि एकदम सब जितना भी घास फूस थे, ये पत्थर उत्थर थे मिट्टी में, सभी को एकदम हटा करके एकदम मिट्टी को फ्रेश बना दिया गया है, है ना। पूरे भूमि को समतल कर दिया गया, वही है परिहत बसना। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गई है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है। ये धाराएं जो कभी बंसरी के ढके वनस्थल में किलकती रहती थी, बंसरी मतलब वंश की शोभा बढ़ाने वाली, ये धाराएं मतलब ये गंडक नदी की जो धारा है, नदी की जो धारा उसी पर धाराएं जो कभी बंसरी के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी। किलकती मतलब हंसती रहती थी, मतलब उसका पानी से एकदम संपन्न होता था, पानी की लहरें डोलती रहती थी, ये हुआ मतलब। अब है आगे, अब वे किलकती नहीं है, या तो लाज में गड़ी निष्पन्न सरकती रहती है, या बरसात के दिनों उन्मत यौवना विरंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती। कहती अब वो किलकती, किलकना मतलब पानी से भरा होना, डवाडव होना, उसकी लहरें चलती थी, है ना, उसी को कह रहे हैं किलकना। या तो लाज में गड़ी निष्पन्द सरकती रहती है, मतलब लाज से निष्पन्द सरकती, मतलब इधर उधर थोड़ा थोड़ा बहती, जब पानी नदी में कम होता है तो देखते हैं नदी का आनंद ही नहीं मिल पाता, हम लोग उसके किनारे भी बैठते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, वही बातें हैं। या फिर अगला लाइन है, या बरसात के दिनों में उन्मत यौवना विरंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। अब बरसात के दिनों में क्या है, विरंगना मतलब वीर स्त्री, और उन्मत यौवना मतलब कुमार वीर स्त्री, कुमार कहने मतलब जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, वैसी लड़कियां जो एकदम खुशी से यौवनावस्था में झूले, उसी तरीके से नदी का पानी है जो भर जाता है तो लगता है वो नदी क्या हो जाता है, युवा बन जाता है। देखिए यहाँ पे मानव से नदी को जोड़ दिया गया है, जैसे एक स्त्री होती है यौवनावस्था में होती है, देखते हैं कितना चंचल होती है, कितना हसमुख होती है, और जैसे ही उसका विवाह ये सब हो जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे निराश होने लगता है, है ना, एक उम्र के साथ। तो उसी नदी है, नदी में जब पानी डबाडब होता है, समझिए नदी यौवना अवस्था पे होती है अपना, एकदम समझिए मजा आता है नदी को जब पानी हिलोरा मारती है इधर उधर। तब अब है मसान सिकराना पंडई भुजाई फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया है। निर्वसन मतलब जिसका वस्त्र उतार दिया गया है, कहने मतलब पानी को खत्म कर दिया गया, कहने का मतलब ये है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरित मानस में कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई होगी। जो 1962 में क्या आया था, बाढ़ आया था, तो ही कहने की कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई आ गई होगी, वो कहने का मतलब है। जो बाढ़ आया था, बाढ़ आता है तो आप जानते हैं उसका कितना भयंकर परिणाम होता है, उसी की बात हो रही है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ संयमित थी, तब ये नदियाँ बहुत अच्छी थी, कहने का मतलब है। घना जंगल था और वृक्षों का जड़ों में पानी का रुका रहता था, घना जंगल था उस समय और वृक्ष के जड़ों में पानी क्या होता था, जमा रहता था, मतलब थोड़ा सा आप खुदाई करेंगे तुरंत पानी मिल जाता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं, पिछले 600-700 सालों में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष से प्रकृति देवी वन श्री की प्रतिमाएं हैं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मतलब, वसुंधरा मतलब होता है धरती, और भोगी मतलब जो धरती पे भोग कर रहे हैं, जो मजा मस्ती विलास कर रहे हैं, मजा मस्ती का जीवन ले रहे हैं। और धर्मांध मानव मतलब जो धर्म में अंधा है, जो जिसको अंधविश्वासी है, जिसको धर्म में अच्छे से विश्वास नहीं है, धर्मांध मानव उसी को कहा गया है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी सुनी, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाटक वंश का राज था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। कितनी अच्छी बात है, इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस देश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित है, कीमियाई मतलब रासायनिक प्रक्रिया से।
कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। ये इतिहास की बात थोड़ा हो रही है, यहाँ पे आप लोग समझते जाइएगा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग बन की गहरा, दुर्ग मतलब किला, हरि सिंह देव का दुर्ग बन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना बन मजबूत और मोटी प्राचीरों, प्राचीर मतलब दीवार, प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। दुर्भेद मतलब जिसको हम लोग, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जिसमें हम लोग छेद नहीं कर सकते हैं, जिसके पार नहीं जा सकते हैं, उसी को दुर्भेद कहते हैं। सुल्तान घोड़े से उतरा, तलवार से उसने एक विशाल बिटप, बिटप मतलब वृक्ष है, वृक्ष के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई। उसके सैनिकों में हजारों तलवारें घने बन के वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा, घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। हरि सिंह देव जो था अपना हौसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो आक्रमण किए थे तो उस समय से जंगल कटने लगा, अभी तक कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि 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 सस्यों, सस्यों मतलब फसल, राशि राशि सस्यों की खान, सस्यों मतलब फसल की खान, जहाँ बीज डालने पर भर की दरकार है, दरकार मतलब जरूरत है। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है, पैदावार ललक उठती है। यूँ चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार से जंगी के द्वार खोले थे, जंगी मतलब जो योद्धा होते हैं उसी को जंगी कहते हैं, जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने का अनावृत कर रहे हैं। अनावृत मतलब जो जिसका आवरण नहीं हो, है ना। कहने का मतलब है बच्चों कि वो सब जो भूमि थी, इतना जंगल वहाँ पे था कि अब वो जंगल तो कट गए हैं, पर उस वहाँ की जो मिट्टी है अभी आज भी उपजाऊ है। वहाँ थोड़ा सा बीज डालिए तो तुरंत सब फसल उगने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं, प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं इस धरती के निवासी। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वालों का ताता बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे हैं। पिछले 500-700 वर्षों से थारू और धांगड़ जातियां यहां आकर बसी। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते, थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं, थारू को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहाँ की आदिवासी जातियाँ उराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? उराव भाषा में भाड़े का मजदूर, धांगड़ मतलब भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील की खेती पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगड़ मिश्रित औराव भाषा में बात करते और दूसरों से भोजपुरी या मंधेसी में। दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय को इस तलहटी में लाए गए। आपको मैं बता दूं बच्चों, ये आदिवासी नहीं हैं, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे। नील कोठियों के मजदूर कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे किंतु संपदा में भागे ये कभी न बन पाए। कहने का मतलब है जो ये वही चंपारण की बात हो रही है जहाँ नील की खेती का आंदोलन किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी, ठीक है। आने वाला का ताता बंधा ही रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि में संपदा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब मतलब अंग्रेज, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी व्यवसायी साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। ये चंपारण भूमि सभी को आश्रय दिया, जमींदारों को भी और अंग्रेजों को भी। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी थे। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया
शरणार्थी समझते हैं ना, जो दूसरे जगह आकर के बसता है कुछ दिनों के लिए। मैं शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का, थारुओं और धांगड़ों के बीच, या सस श्यामला मतलब ये फसल को सस कहा गया, सस श्यामला भूमि उनको भी धात्री बनी है, और बिछड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली, और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उड़ेला। इतिहास की उंगलियां ऐसे वीणा पर थिरकते जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। कितनी अच्छी बात है, आप लोग समझते जाइएगा। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली। चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगड़ों का नर्तन और थारुओं का गृह कला, जो हाथ से हम लोग बनाते हैं जितना भी क्राफ्ट कला है ना, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वहाँ सिंक का बनाया जाता है। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सिंक को रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, मूंज मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोग समझिएगा बच्चों इन बातों को, मूंज से बनाए जाते थे, उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। कितना अच्छा बात है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है, जिसमें पीढ़ा समझ जिस पे बैठते हैं, पीढ़ा रखती है जिसमें तीन लटे बेड़ियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए होते हैं। वहाँ की संस्कृति को बताया जा रहा है चंपारण के। पीढ़े के ऊपर सिंक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है, एक टोकरी होती है उसमें भोजन रखा होता है, वो अपने पति के लिए लेकर के जाते हैं। टोकरी के दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सीप की बेड़ियाँ रजत कंकणों की भांति झंकृत हो उठती है। जो सीप की जो बेनी होती है वो झंकृत हो उठती है, मतलब बजती है, और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रहे, कलेऊ मतलब नाश्ता लेकर के जा रही है, सुबह का नाश्ता समझ रहे हैं, या दोपहर का नाम, मतलब कलेऊ मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता, उसी कलेऊ कहते हैं, कराने जा रही है। अब अगला पैराग्राफ है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। उराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं, यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। जो नेपाल के लोग जो थे ना, तो वहीं से भी कुछ चीज़ें हम लोग को मिली, वही कारण नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और राव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं, और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। रीछ शेर हिरन इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल उदक रहे हैं। ये सब रीछ हैं, शेर है, हिरन है, निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच मिलमिल करके उदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम कृति किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। कहने का मतलब है, ये देखिए एक संस्कृति को दिखलाया जा रहा है कि वहाँ कैसे नाच गान होता था, कैसे वहाँ की क्या परंपरा होती है, कैसे हम लोगों की गांवों की अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग क्षेत्र की है ना, हर राज्य का अलग अलग परंपरा होता है। उसी तरीके से जो चंपारण है, बिहार में जो चंपारण है वो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो उसमें कुछ नेपाल का भी प्रभाव पड़ा है, नेपाल की संस्कृति का भी, या कुछ हम लोग बिहारी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है तो ही, और कहा जा रहा है कि वहाँ जो थार राजस्थान के भी कुछ लोग आकर के वहाँ बसे हैं, तो मतलब तीन चार राज्यों का संस्कृति का वहाँ क्या है, मिश्रण है,
तो उसी के बारे में बताया गया कि लड़कियां कैसे जाती है, नई लड़की जिसका विवाह होता है, नई नई औरतें बहू अपने पति के लिए भोजन लेकर के जाती, इन्हीं सब बातों का वर्णन है। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादिगुंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनि होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्व तीनों ताने छोटी होती जाएं, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। उल्लास, उल्लास मतलब वही उमंग, खुशी। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। 19वीं सदी में क्या हुआ, नील की खेती का विस्तार हुआ। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। अब देखिए नील का बारे में है इतिहास, आप लोग अच्छा जानिएगा, इसको मैं अच्छे समझाऊंगा, अभी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय नील के ही रंग बनते थे और नील का जो विलायत मतलब विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग था नील का, ठीक है। और लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत मतलब प्रजा, तो अंग्रेज ठेकेदारों का तो बहुत ज़्यादा लाभ हो गया पर लेकिन भारतीय प्रजा को कोई लाभ नहीं हुआ, मजदूर वर्ग को, किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी, अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। गोरे ठेकेदार मतलब अंग्रेज। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियाँ खड़ी हो गई, मतलब गोदाम को कोठी कह गए, और उनकी जगह स्थापित हो गई, उनका रहने होने का जगह। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था, मतलब जरूरी था। देखिए कहा जा रहा है कितना, आप लोग समझिएगा इस दर्द को कि उस समय किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना शोषण हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में जब केमिकल रंगों के ईजाद होने पर नील की मांग कम हो गई तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। कहने का मतलब है कि जितने भी किसान को 20 कट्ठा जमीन होता था तो उनको कहा गया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको ये लगाना ही पड़ेगा, क्या नील की, उसी को 3 कठिया कहा गया। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा आपको नील लगाना पड़ेगा, बाकी 17 कट्ठा में आप कुछ कीजिए, और 3 कट्ठा एकदम अंग्रेज को देना है, समझ गए ना। और उस पर ये किसान लोगों का कोई फायदा, विशेष फायदा नहीं हो पाता था, ठीक है। अब है बच्चों, हाँ, तो जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तान अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ, रैयत मतलब प्रजा, भारतीय प्रजा, भारतीय नागरिक के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। नजराना मतलब भेंट, उपहार। साहब बीमार पड़ता तो रैयत से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अमूलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर कोई अंग्रेज कुछ बड़ा काम करता था, शादी विवाह उनके बच्चों का अगर होता था अंग्रेज लोगों का, तो उसमें भारतीय लोग जो मजदूर किसान वर्ग के थे उन लोगों को कुछ टैक्स देना पड़ता था, कुछ सामान भेजना पड़ता था उपहार के रूप में, उसी को नजराना कहा गया है, उपहार को नजराना कहते हैं। भीषण आतंक था एमन साहब का, किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरे का हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे, तो उनके बंगलों में। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन में न कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी और बरसों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। कहने का मतलब है बच्चों कि इतना उन लोगों का शासन था कि जब मन जब थोड़ा सा भी अगर विरोध करता था भारतीय मजदूर किसान, चंपारण के मजदूर किसान, तो तुरंत उनको जेल में बंद किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको उन पर और ज़्यादा शोषण अत्याचार किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वो अगला पैराग्राफ है। और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम में जन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं
राजेंद्र बाबू ने लिखी है। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 1962 में मुझे एक अभूतपूर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उन सभी स्थानों की रज लेने, रज मतलब धूल लेने, मतलब वही मिट्टी की जो धूल होती है उसी को रज कह रहे हैं, लेने जहाँ गांधी जी ने 1917 का अभियान किया था। मतलब ये कब आए थे, 1962 में, और गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह कब किए थे, ये 1917 ईस्वी में। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महान अनुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने में सुहागा, मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों में हुआ था, वे हरबंश सहाय जो मुजफ्फरपुर के मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। कहने का मतलब है कि मैं वहाँ गया था 1962 में, ये जगदीश चंद्र माथुर कर रहे हैं कि मैं वहाँ गया था 1962 में और मैं उन लोगों से मिला जो गांधी जी के साथ रहे थे जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे 1917 में, तो उस समय जो उनके गांधी जी को सहयोगी थे वो सब आदमी हमसे मिले थे 1962 में, तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि हम उन लोगों से मिले। हाँ, तो अब आगे है, गांधी जी के रहने सहने प्रबंध जिनके हाथों में, हरिवंश राय, हाँ, लौटने पर मजबूर में मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे, अग्रगण मतलब आगे गिने जाने वाले, जिसे तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और हरिवंश शाह इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 के आसपास मृत्यु हो गई, जो उनके सहयोगी थे, राजकुमार शुक्ल के इनके सहयोगी थे महात्मा गांधी के 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जब आंदोलन हुआ था। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भीतीहरवा गांव में, अविस्मरणीय अनुभव रहा मतलब अविस्मरणीय मतलब नहीं भुलाने योग्य अनुभव। यह गांव आमोलवा के निकट है जहां सन 17 में एमन साहब की तुती बोलती थी, एमन साहब मतलब अंग्रेज अधिकारी थे। उन जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगू से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे, उनके साथ दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी, तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। मतलब गांधी जी एक बार जा रहे थे बच्चों वहाँ, मतलब उन सब गांवों को देखने जहाँ जहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा जलील और परेशान किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहाँ पे कहे कि शिक्षा पहले आप अपने बच्चों को दीजिए, तभी आपका बच्चा इन सब चीज़ों से उभरेगा और आप भी, आपका भी मानसिकता बदलेगा। जब तक शिक्षा नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं बदल सकते हैं। तो ये हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप, तभी गांधी जी ने ग्रामीण व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गाँवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और भीतीहरवा, ये 3 गाँव हैं वहाँ। तो इन सब जगहों में गांधी जी ये स्कूल का मतलब विद्यालय का स्थापना किया, जो आश्रम गुरुकुल के जैसा था। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांव में तैनात किया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। वे कार्यकर्ता कहाँ से आए, गुजरात और महाराष्ट्र से। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबनजी गोखले और उनकी विदुषी मतलब जो स्त्रियाँ विद्वान होती हैं, जो पुरुष विद्वान होते हैं उनको तो विद्वान कहते हैं, जो स्त्रियाँ विद्वान होती है उसको विदुषी कहते हैं, पत्नी अभिनता कवाई गोखले ने चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात नरहरिदास पारखी और उनकी पत्नी तथा उन सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कुलपति कृपलानी भी वहाँ रहे। भीतीहरवा के अध्यक्ष थे वायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहाँ पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भीतीहरवा आश्रम में रही और कस्तूरबा मतलब इनके पत्नी, किनका, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। स्वयं कस्तूरबा भीतीहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही। कहने का मतलब है बच्चों कि गांधी जी सोचिए महाराष्ट्र गुजरात से यहाँ आए, कहाँ आए, चंपारण में, वहाँ किसानों की
स्थिति को देखिए कि एकदम खराब है, और वहाँ एक स्कूल की स्थापना किए बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि हमारी अगली पीढ़ी के साथ ऐसा अत्याचार न हो, वो पढ़े लिखे, उनका सोच बदल जाए, वो मजदूर न बन सके। और वो इतना अच्छा से वहाँ स्कूल चलाएं कि अपने सभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो को, इस चैप्टर को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप लोग नहीं इसको समझेंगे तो आपका काम नहीं हो सकता है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो आप लोग लास्ट तक देख ही लीजिएगा। अगला पैराग्राफ है, इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टरों को, जिसने शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैं इन स्कूलों में किसी तरह का नपातुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुराने लीग से हटकर चला हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। हे मतलब घृणा की दृष्टि से समझते हैं। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों का ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मुख्य उद्देश्य यह हुआ कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो संस्कृत हों और चरित्र उनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे, उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भीतिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। कहने का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि अब मुझे एक नवीन शिक्षा पद्धति का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे ऐसा पढ़ें कि वो अपने वंशगत जो काम है, उनका जो खेती व्यापारी जो है, उनको भी वो कर सके और अपना निजी जीवन भी अच्छे से संभाल सके। गांधी जी का यह कहने का मतलब है। जो औद्योगिक शिक्षा लेना चाहेंगे, जो टेक्निकल शिक्षा लेना चाहेंगे, उनके लिए उस तरह का शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाएगा। उसी भीतिहरवा में मैं पहुंचता हूं, और मेरा भाग देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक को भी गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया। भीतिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रामवासियों से दिल से भय दूर करने के लिए लगभग एक साल रहे, और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया, मतलब निकाल दिया अंग्रेज सरकार ने। लेकिन इतना समय बीत जाने पर हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ ही जाते थे। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। कहने का मतलब एक पुंडलिक जी थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देने के लिए। इन्हें अंग्रेज भगा दिए थे, मतलब इनको अंग्रेज निकाल दिए थे उस जगह से। समझ रहे थे अंग्रेज की, पढ़ लिख लेगा भारतीय पुरुष, भारतीय बच्चे, तो फिर हमारा राज कैसे चलेगा। अगला पैराग्राफ है, पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहाँ बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई, जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को हेमंत साहब के कर्मचारियों ने भी जला दिए हैं। बाद में वह खपरेल का भवन बना, जो अब बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहार में रहते। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी हैं, कस्तूरबा गांधी, और गांधी जी क्या करते हैं, बेतिया और मोतिहार में रहते हैं। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथा भी सुनाई। एक दिन हेमंत साहब इनके आश्रम में आए। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े, गृहपति जो घर का स्वामी, उसके घोड़े को लगाम को पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। कितना बड़ा बात है, एक अंग्रेज अधिकारी को कहा कि मैं उसका लगाम पकड़ने, घोड़े की लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, वही निर्भीकता उन्होंने गाँव वालों को दी। निर्भीकता मतलब जो डरे नहीं किसी से बिना मतलब का। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक को अंदाज भी नहीं लगा सकते, जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कालयापन
करते थे। गांधी जी उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। कहने का मतलब है बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी से ही इन लोगों ने पुंडलिक जी ये सब सीखे थे कि कैसे मुझे निर्भीक होकर के रहना है, किसी से नहीं डरना है, किसी से भी बात करना है, किसी का भी विरोध करना है, ये सब सारी चीज़ें गांधी जी से ही सीखे थे पुंडलिक जी। किंतु उसी चंपारण ने उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है, ऐसे भी बाक ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। कहने का मतलब गांधी जी ऐसे चीज़ों को नहीं लिखते जिसका तथ्य उन्हें मालूम नहीं हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे, उसके पास तरह तरह की खबरें आती थी। निरंजनापूर्ण आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धीरंधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना, इन बातों का जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। वही चंपारण के बारे में तो वही कहें, जब तक हम आंख से नहीं देखें जब तक इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते, यही वह सत्य था जिसका आचरण उसके जीवन का संबल था। मतलब जीवन का संबल था, मतलब संबल मतलब मजबूती, गांधी जी की मजबूती यही था कि कोई भी बात को किसी के कानों से मुंह से सुनकर नहीं चलते, वो अपना आँख से देखना चाहते थे, उसके बाद वो विरोध करते थे उस चीज़ों का या उस चीज़ों की प्रतिक्रिया देते थे। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्र एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूल धूसरित पड़ा है, जैसे भीतिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृत भी स्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? कहने का जो चीज़ गांधी जी ये सब किए, उस सब चीज़ों का आज कोई मोल वहाँ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सब चीज़ को अब खंडर जैसा बना दिया जा रहा है, उस पर अब उतना भारत सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। हमारी संपदा, यही हमारी अर्जित संपत्ति है, जो चंपारण में गांधी जी के द्वारा इन सब चीज़ों को चलाया गया था, उससे आज भी लोग प्रेरणा ले सकते हैं देख करके। भीतिहरवा के पास ही रामपुरवा है जहाँ ये सब गांव है बच्चों, ध्यान रखिएगा। भीतिहरवा के पास ही रामपुरवा है जहाँ ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सोचिए, वहाँ ध्वस्त पड़ा है मतलब नष्ट हो गया है। एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल, पुष्ट मौर्य कला के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थस्थल रहा हो। गंडक नदी किनारे कई बौद्ध स्थल हैं। कुशीनगर, गंडक नदी के किनारे बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं। बौद्ध मतलब जो बुद्ध बौद्ध धर्म के लोग वहाँ की नगरी थी। कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। कुशीनगर कहाँ है? गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, गंडक को नारायणी कहा जाता है कुशीनगर में। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण सैया की यह वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोधगया का मंदिर बनवाया था। जो बोधगया का मंदिर बनवाए थे वही यहाँ का भी मंदिर इन बनाए थे, मूर्ति को बनवाया। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो सक पाया है। 82 फीट ऊँचे 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सी स्तंभ है। मेरे विचार में वह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है इस लेख और उसे कुछ दक्षिण में रुराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन है। महामातृ को जनता के प्रति कैसा
कर्तव्य और आदर्श की याद दिलाई गई है। आजकल की कमिश्नर में गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों और देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणाद्र स्वयं की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितनी चुनौतीपूर्ण है, समझिए ना बच्चों। तो देखिए अब हमारा पाठ जो है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और आपको इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा भितरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और अनेक भिक्षु जाते थे लुम्बिनी और नेपाल। लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म बौद्ध जी का गौतम बुद्ध का जगह था, लुम्बिनी और नेपाल फाग्यान और हिंसांग भी इसी पथ से आए थे जो चीनी यात्री थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का सहस अपने अंदर में हृदय में छुपाए हुए है। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। वैशाली जो जानते हैं वही यही सब क्षेत्र में पड़ता है। यही तो वह पथ है जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने बुद्ध भगवान ने गौतम बुद्ध ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है। पिछली रास्ता रोक कर खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षा पत्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्रकानन मतलब आम का बगीचा समर्पित किया था। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अम्बपाली ने तथागत को अपना आम का बगीचा समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था। और आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। जो वैशाली जो है महावीर की स्थली है, उसको धरोहर को भूल गया है जैन धर्म। और ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थान किंवदंती है। तमसा नदी मिलती है वहीं, शायद वाल्मीकि आश्रम है। एक तमसा नदी यहीं आसपास में मिलती है, वहीं वाल्मीकि का आश्रम, वाल्मीकि जो रामायण में है, वाल्मीकि जो रामायण को लिखे हैं उसका उनका आश्रम। अनेक ध्वस्त मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है इस गंडक के सहारे सहारे। चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। वही सोनपुर के बारे में बताया जा रहा है, पटना का जो सोनपुर है। तो वही कह रहा, उस गंडक से अगर चलते चलते आप चलेंगे तो पटना आप आ जाएंगे सोनपुर के आसपास में। वहीं का एक ऐतिहासिक बात बता रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ है, वर्तमान और अतीत की अदंतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र, अयोध्या हरिद्वार मथुरा काशी बन जाते, पर गंडक तो उस श्रृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गंभीर इसे सुहाया ही नहीं। तब अतीत की कौन स्मृति या गंडक ने छोड़ी है? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज से गंडक पानी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सस श्यामला धरती, सस मतलब फसल, सस श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बदहालियां की भांति टेढ़े मढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल। इन तालों को कहते हैं और चौर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्च श्रृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है मानो ये मन और चीर। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, यही मानस बन गए। समझ रहे हैं इन सब बातों को आप? ऐसे ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था।
साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है जिसमें कोई भय नहीं है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकेलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। एक मील वन पथ पर चलने के बाद हम वन किनारे पहुंचे। विशाल ताल बीच में द्वीप और तीन और जल राशि नौका विहार को निकले। नौका विहार मतलब घूमने को निकले, नौका मतलब नाव से घूमने को निकले। नन्ही लहरियां पर चांदनी के प्रतिबिंब खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते हैं। नौका आगे बढ़ी, सामने रजत राशि निसीम, बाईं तरफ द्वीप और कमलपत्र और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्य वर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते रहे हैं और इस तरह सरैया मन के जल का वैधक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मंगाते हैं। सरैया मन का जो जल है उस तालाब का तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे बीच बीच में आम, महुआ, जामुन का पेड़ लगा हुआ, जब जामुन उमुन वहाँ पे गिरता है तो उससे क्या करते हैं, वहाँ का जल बहुत मीठा हो जाता है। तो वहीं जो नाव चलाते हैं, जो लोग बीच में लेकर के जाते हैं नदी के बीच में, तालाब के बीच में, तो कहते हैं इसको पीजिए, और इसको बड़े बड़े अमीर लोग जो बीमार पड़ते हैं वो सब भी इस पानी को पीते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मतलब कि आयुर्वेद के अनुसार भी वो बहुत लाभदायक पानी है। सरैया मन का जल स्थिर है, निवद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल क्या है, चंचल रहा मतलब आगे पीछे, मतलब वो बहती रहती है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसके घाटी से संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपाय खंडर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन कई कुंडलियां और फावड़े की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें हैं, प्राचीर मतलब दीवार, ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिम नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68 मील उत्तर प्रदेश और देवरिया जिले और शेष बिहार के सारण जिले में। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मतलब उसके आसपास सब क्या बन रहे हैं, नहर बन रहे हैं, वही सबको बताया जा रहा है। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आवपासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैसा लोटन से लहरें निकलेगी और वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना, मतलब उस समय का ये सब योजना था। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आवपासी इन नहरों में होगी। इतना करोड़ रुपया वहाँ पर, लाख रुपया, लाख एकड़ जमीन की आवपासी नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपये, उससे में जो खर्च होगा, व्यय मैंने खर्च, 40 करोड़ रुपया उसमें खर्च होगा इन सब योजना को तैयार करने में। भैसा लोटन एक जगह है। भैसा लोटन में भारतीय इंजीनियर जंगलों के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, मतलब नए जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्षस्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे। मोटर बोट मतलब जिसमें नाव में हम लोग जिसमें थे, वो मोटर से चलता था वो नाव, तो वहाँ पे इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर भी हमारे साथ थे, वो सब हमको क्या कर रहे थे, बहुत सारी बातों को समझा रहे थे। और मैं सोच रहा हूँ शायद, और ये लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ शायद युगों युगों में होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन और अभाव के ग्राह विकराल मुख से फंसे इन जन समुदाय का संकट मोचन मतलब दुख को हरने के लिए अजय पड़ोसयुक्त नारायण के रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल तो उसका त्राणकर्ता चक्र है। बिजली के तार आ जाएंगे तो सभी जो आसपास के जितने गांव, ग्राम हैं, शहर हैं, सब में क्या हो जाएगा, बिजली आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का फिर वहाँ पर विकास होने लगेगा। और मन ही मन नमस्कार करता हूँ इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को,
मजदूरों को जो भगवान के इस नूतन नूतन माने नया नूतन विराट रूप के विधाता हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा और कलाकार अंकित करे या न करे, जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। कहने का मतलब जो मंदिर है यहाँ पे सब क्या होने लगेंगे, जब यहाँ का विकास हो जाएगा इस जगह का, तो यहाँ पे लोग और सब लोग आने लगेंगे और ये जगह विकसित हो जाएगा और ये सभी लोग महावीर बौद्ध और इन सब चीज़ों को महात्मा गांधी के ये सब तपस्थली सबको देख पाएंगे। जब विकास होगा तभी ना लोग वहाँ जा पाएंगे। ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, मतलब जितना नाम है ना सब गंडक का ही मतलब नाम है, पर्यायवाची नाम है। युगों से दीन, गंडक एक नदी है भी आपको मैं बताया हूँ, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरे चीर चंचल, चीर माने अस्थाई, चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा ना पाएगी। कितनी बड़ी बात है, देखिए गंडक नदी की महिमा का वर्णन किए, उस चंपारण की संस्कृति और सभ्यता का वर्णन किए हैं जिसमें महावीर बौद्ध का जो कर्म क्षेत्र रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए बच्चों, यहीं से हमारा पाठ अब समाप्त होता है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और मैं अगले पार्ट में, इसका पार्ट टू में मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दूंगा। अब मेरा सभी हिंदी का वीडियो दो पार्ट में हुआ क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी मुझे कम समय में समाप्त करना है।